वर्ष के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जितना हमने देखा है हॉरर कहीं ना कहीं लग रहा है, तो आप लोग बताइए फिल्म के बारे में, अपने किरदार के बारे में, अगर हमारी ऑडियंस को बताएं। जी सर, आप बताएं। तो हमारी जो फिल्म का नाम है वर्ष, पॉसेस्ड बाय द ऑब्सेस्ड, एक हॉरर फिल्म है। और मुझे लगता है कि हॉरर फिल्म में जो सबसे पहले जो अहम जो हीरो होता है वो आपका हॉरर ही होता है। तो जब मुझे ये फिल्म ऑफर की गई, और मेरी ये पहली डेब्यू बॉलीवुड फीचर फिल्म है, तो जब मुझे डायरेक्टर ने और गंगा ने जब हमारी मुलाकात हुई फिल्म को लेके, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था, क्योंकि जो पूरी टीम इनकी है वो बड़ी ही काबिल टीम है। जगमीत सिंह समुद्री ने इनको लिखा है, डायरेक्ट किया है, एडिट किया है। और जो मुझे लगता है हॉरर में और कॉमेडी में एक बड़ी थिक लाइन है, बहुत छोटी सी थिन लाइन है, और अगर आप हॉरर प्रॉपर नहीं बना पा रहे तो वो कॉमेडी बन जाएगी। पर हमारी जो फिल्म बनी है वो जब आपके सामने आएगी तो आप सच्ची में आप डरने वाले हो, और हम बहुत ही एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर, क्योंकि सही में लोगों के दिल पे एक इम्पैक्ट डालेगी, क्योंकि इसमें इमोशंस भी है, इसमें रोमांस भी है, इसमें बेसिकली नाइस कमर्शियल रोमांटिक मूवी है जिसमें अच्छे गाने भी हैं, और मतलब वो रोमांटिक कहानी के ताने बाने के बीच में हॉरर इज द एलिमेंट। सो आपके अगर किरदार के बारे में कुछ बताएं हमें कि मेरा किरदार सिंपल सा है, हाउसवाइफ टाइप, एंड या हिमाचल में रहते हैं लोग, सो शादी के बाद ही इमीडिएटली सारी कहानी शुरू होती है, तो बेसिकली शी इज अ हाउसवाइफ। राइट, ऑल्सो आप प्रोड्यूसर भी है फिल्म के अंदर और फीचर भी कर रही है फिल्म के अंदर, कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था और एज अ प्रोड्यूसर? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज बोथ द थिंग्स एक्चुअली, मतलब स्पेशली फर्स्ट बीइंग फर्स्ट टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर है, हर चीज़ का प्रेशर हो जाता है। और अगर मतलब मेरी आदत ये है कि मैं किसी के ऊपर काम छोड़ नहीं सकती, आई हैव टू सी दिस कि ये सही हो रहा है, सही हुआ है, तो मेरे ऑब्जर्वेशन से ही जाना ज़रूरी है। इवन फॉर द मूवी आई डिड द सेम थिंग, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रिप्ट से लेकर के हर चीज़। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि अब जैसे क्लैश हो जाता है काफ़ी वक्त, मैंने ये नोटिस किया है, आई होप मैं दोबारा नहीं करूंगी ये क्लैश। इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। कब पता चला कि आपको भी फीचर करना है फिल्म के अंदर और किसका आइडिया था ये? वेल, जगनी जी ने बोला, जी द डायरेक्टर, या ही सेड दैट एक्चुअली मैंने कुछ म्यूजिक वीडियोस वगैरह भी किए हुए थे, एंड ही सॉ वन ऑफ देम, व्हाई डोंट यू डू, इट्स लाइक फाइन लेट्स ट्राई दैट। आप बताइए जब प्रोड्यूसर ही एक्टर होती है कितने नर्वस कितने एक्साइटेड, थोड़ा सा अगर वो फीलिंग बताइए कि जब आपको पता चला कि प्रोड्यूसर ही जो है आपके अपोजिट काम करने वाली है, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जब मैं इनसे मेरी पहली मुलाकात हुई, मैं पहले जगमीत सर से मिला, मेरा प्रॉपर ऑडिशन लिया गया, एक दाढ़ी वाले भाई साहब को लड़की बनाया गया, उनके साथ मुझे रोमांस कराया गया, उसके बाद मुझे फाइनल किया, फिर मैं गंगा से मिला, फिर मुझे मालूम चला कि गंगा ही लीड कर रहे हैं। तो एक कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो पहले मुलाकात में समझ में आ गया कि यार पहली फिल्म है और ये लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप खुल के वहाँ पे काम कर सकते हो जहाँ पे ना वाइब्स मैच करें। तो इनके साथ जब मैं मिला, टीम के साथ मिला, तो मैं समझ गया था कि यार यहाँ पे टेंट्रम्स नहीं होंगे बिल्कुल भी, यहाँ पे बड़े सुकून से आप जो आप हैं वो काम कर पाएंगे। इनफैक्ट मुझे इन्होंने बोला, एज ए प्रोड्यूसर इन्होंने मुझे बोला कि यार आप बहुत शरीफ ही हो, थोड़ा सा टाइट रखो यूनिट को। तो मुझे इन्होंने सेट के दौरान बोला कि आप हर चीज में हांजी मत बोला करो, यू शुड यू नो रेज अ वॉइस। राइट, हांजी हांजी वाज अ बिग जोक हम लोगों के बीच में, ही इज टू से फॉर एवरीथिंग हांजी 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 हांजी, अरे भाई कोई मार के जाएगा तो भी हां जी ओके, बोला ऐसे नहीं करते हैं, ये सीरियसली ही इज अ वेरी डोसाइल काइंड ऑफ पर्सन। तो पता चल रहा है काफी इंसिडेंट से, बट अभी एग्जैक्टली याद नहीं बट लेकिन मैंने इनको काफी बार वहां पर बोला, मैंने बोला यू विल हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ, अरे फैमिली की तरह हमने रहे हम और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत ही अच्छा मजा। इट वाज खाली ये था कि गाने वाले जब शूट किए तो नवंबर की सुबह चार माइनस क्या आप लोग कितना बिलीव करते हैं भूत प्रेत आत्माओं में, अगर उस बारे में कुछ बताया, क्या आप लोगों ने ऐसा कोई किस्सा अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें? आई वुड से यस, आई बिलीव मतलब ये चीजें ऐसी है ना जिसे जिसके जैसे हम हवा को साबित नहीं कर सकते, बट हवा होती है, तो उसी तरह से है, जिसके साथ जिंदगी में कुछ घटता है उसी को बिलीव होगा और किसी को नहीं। एक्चुअली मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर भगवान है तो शैतान भी है, क्योंकि ऐसा कहा भी गया है, हर एक धार्मिक किताब में लिखा भी गया है
कि जहाँ पे भगवान है वहाँ शैतान भी होता है. और हम ना एक मोमेंट पे आने के बाद ना हम दोनों चीजों से हमारा यकीन हट जाता है, शायद भगवान से ज्यादा हट जाता है और नेगेटिव एनर्जी हमें ओवरपावर कर लेती है. और ये फिल्म भी यही कहानी है कि मैं लंदन में पला बड़ा हूँ, मैं शादी के लिए मैं इंडिया में आता हूँ और कुछ मिस हैपनिंग्स हो रही है, कुछ सुपर नेचुरल पावर्स जो है वो ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है, पर मैं बिलीव नहीं करता कि ऐसी चीजें हैं. पर इवेंचुअली वो पता चलता है कि यार ये चीजें होती हैं, ऐसी 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 सर्कमस्टेंसेस होती है, यू हैव टू इवेंचुअली बिलीव, देयर इज नो कोई रास्ता ही नहीं बचता है उसके बाद. तो जो बिल्कुल ना बिलीव करने वाला है वो भी तब बिलीव करते हैं जब उसके साथ ऐसे हादसे होते हैं, तो किसी को हम बिलीव नहीं करवा सकते. फिल्म के अंदर एक डायलॉग भी है कि अगर भगवान है तो शैतान है, जैसे हमने देखा जितना ट्रेलर. जी ऑल्सो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका विवेक के साथ, अगर उस बारे में कुछ बताएं? फैंटास्टिक, आई वुड से इट वाज ग्रेट. मतलब मिस करते हैं हम लोग शूटिंग के लिए, लाइक मतलब कितना 40 का स्केड्यूल ऐसा था जैसे बिल्कुल बिल्कुल कि मतलब इतने हम बहुत टाइट स्केड्यूल रहता है, आपको सुबह जल्दी उठना है, रात को फिर कभी हाँ 4 बजे उठना होता था उतनी ठंड में, 4 बजे उठ के मेकअप वगैरह करके आपको 6 बजे रेडी रहना है. और उसके बाद भी कंफर्ट रहता था क्योंकि डायरेक्टर भी बड़े कूल थे हमारे, हम हॉरर कर रहे थे लेकिन वो ऑफ कैमरा कॉमेडी करते 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 थे. बट कुछ बहुत टफ इंस्टेंसेस भी थे, जैसे कि एक हमने क्लाइमेक्स का सीन हमने शूट किया था तो -4 डिग्री टेम्परेचर था एंड वी आर सपोज टू बी बेयर फीट, हमारे पैरों में कुछ नहीं होना था, तो वो बहुत डिफिकल्ट था कि जैसे ही कट होता था तो फिर जो टीम के बंदे वो ब्लैंकेट लेके स्लीपर्स लेके और ऊपर से कोई जंगल जो था जहाँ हमने जंगल मतलब वो था डेंस था तो बहुत मॉइस्ट अजीब सी ठंडी होती है, वो गीली ठंड गीली ठंड. और लेकिन एक चीज और भी है कि मुझे लगता है ना कि जब आप अच्छा कुछ काम करने लग जाते हो ना तो कुदरत आपकी मदद करती है. जहाँ पे हमने क्लाइमेक्स शूट किया वो जो जंगल रियल जंगल है वहाँ पे मतलब बहुत ह्यूज चमगादड़ थे और उस जंगल के अंदर हर 6 फीट के ऊपर एक कोबरा और एक एनाकोंडा अजगर जो है वो था. बट थैंकफुल वी आर वेरी थैंकफुल टू द गॉड, किसी को कुछ भी बॉदरेशन नहीं हुई. मैं अभी बात भी कर रहा था, इनफैक्ट नॉट इवन अ सिंगल डे हमारी शूट भी कैंसिल नहीं, पोस्टपोन नहीं हुई, एवरीथिंग वाज सो स्मूथली दैट्स विद द ग्रेस ऑफ शिवा. हम लोग तो जहाँ पे शूट कर रहे थे तो हमारा तो ऑर्गेनाइज था सब, लेकिन जो एडीज थे उनको वो स्मोक करने के लिए वो उठाते थे और भागते थे झाड़ियों में, तो बैक ऑफ द माइंड रहता था यार ये भाग तो गए इनके पीछे सांप ना भागे. और थैंक्स टू गॉड सर बहुत ही अच्छा हुआ और बहुत ही अच्छी फिल्म बन के आई है एंड आई एम वेरी श्योर कि आपके पास जब आएगी तो आपको दिल पे दस्तक करके और प्यार से जरूर देगी. आज तक हमने जितनी भी हॉरर फिल्में देखी है म्यूजिक इनका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है, हमने ट्रेलर में भी देखा एक बहुत ही अच्छा गाना, मतलब जितना हमने देखा है बहुत मतलब सूदिंग सॉन्ग है, अगर उस बारे में कुछ बताएं कितने गाने होंगे और क्या कहना चाहेंगे? 4 गाने हैं, 2 रोमांटिक हैं और एक टाइटल ट्रैक है जो पूरी मूवी को रिफ्लेक्ट करता है. और अजय गर्ग जी ने लिरिक्स लिखे हैं, मैं तो उनसे कहती हूँ मैं तो आपकी लाइफ टाइम फैन हूँ, तो वे ब्यूटिफुली उन्होंने जितने मतलब अपनी पूरी जो कहते हैं मेहनत पैशन प्यार सब कुछ उन अल्फाजों में निकाला है. पर्टिकुलरली द टाइटल ट्रैक, आई लव दैट टाइटल ट्रैक जो है वो है. और एक क्लब नंबर है फिल्म का लोकेशन जिसे आप बार बार बता रहे हैं, तो प्री प्रोडक्शन के हिसाब से रेकी किस तरह से की गई थी कि यहाँ यहाँ शूट होना है? क्योंकि ट्रेलर देख कर लग रहा है कि लोकेशन की वजह से ज्यादा हमें हॉरर फील हो रहा है, तो रेकी कहाँ हुई शूट? ये रेकी हमने की थी शूट से दो या तीन महीने पहले, हम मैं डायरेक्टर और DOP और दो तीन लोग साथ में गए थे वही हिमाचल में. इसके लिए पेड़ जो है ना, इसमें पर्टिकुलर पेड़ का बड़ा इम्पोर्टेंट वो है रोल है, तो पेड़ ढूंढने में हमें बहुत टाइम लग गया. अच्छा, पेड़ जब देखोगे भी तो रियली वो स्केरी है, वो आप इतना डेंस पेड़ है, इतनी उसकी फैली हुई जगह, जैसे कैरेक्टर, जैसे कैरेक्टर अपने आप में कई कहानियां समेट है, तो बहुत रिलेटेबल है. जैसे आपने कहा जब लोकेशंस आप देखोगे तो सही में आपको लगेगा कि यार ये चीजें वास्तविकता में हो रही है और वो इतने बढ़िया तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है, डायरेक्ट किया गया. और हमारे डायरेक्टर ने हमारे DOP जो मनोज शौ जी हैं, डायरेक्टर जगदीश मुखी जी हैं, हमारे जो आर्ट डायरेक्टर हैं दीपक चक्रवर्ती, उन्होंने भी सबने बहुत मेहनत की है. एंड यू कैन सी दैट एक्चुअली यू नो, मतलब एक ही चीज जो है आज साथ में, बाकी तो आई हैव हैड ठीक ठीक एक्सपीरियंस बोल सकती हूँ, बहुत अच्छा नहीं, बट जब आपके पास प्रोडक्ट अच्छा होता है ना तो आप तलवार लेके खड़े होकर के लड़ाई कर सकते हैं दुनिया से. तो दैट इज व्हाट मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बिकॉज वो प्रोडक्ट मेरे पास इतना अच्छा है कि मैं फिर भी लड़ी है ना शिव जी की दया से, लाइक यू नो वी आर जस्ट अबाउट टू कम ऑन सिनेमा.
ऑल्सो 21 जुलाई को रिलीज होने वाली है फिल्म, कोई मैसेज देना चाहेंगे या फिर क्या कहना चाहेंगे? प्लीज जरूर आगे देखिएगा। अच्छा हाँ, मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि मन की बात कह रही हूँ कि आप लोगों पर ही सब कुछ डिपेंड करता है, हमें सक्सेस देनी है या नहीं देनी। मूवी देखने के बाद आप बोल सकते हो कि अच्छी है या नहीं है, तो कम से कम एक मौका दीजिएगा, जरूर देखिएगा। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि यहाँ कोई बाहर वाले को खड़े नहीं होने देता है, और आप लोग हो तो शायद हम स्टैंड हो पाएंगे। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमारा साथ जरूर दोगे, क्योंकि दिल से बनाया है प्रोडक्ट। और एक्चुअली भी मुझे लगता है कि एक सिनेमा जो है वो आपको एजुकेट करता है, आपको एंटरटेन करता है, आपको इन्फॉर्म करता है, फिर उसके अंदर एक जो म्यूजिक जो है वो रूहानी है, वो आपकी रूह को छूता है। तो जिस तरीके से पूरी टीम ने काम किया, बड़ी ईमानदारी से काम किया, ये सिनेमा सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाया गया कि सिर्फ बना देना है, ये सिनेमा सिर्फ इसलिए बनाया कि आप देख करके कमेंट कीजिएगा कि आप रिलेट कर सकें। गाने पलक मुचल ने गाए हैं, मोहम्मद इरफान साहब ने गाए हैं, यासिर देसाई ने गाए हैं, बहुत खूबसूरत म्यूजिक दिया है और बहुत ही कमाल की फिल्म बनी है ये। और हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर है मुख्तार सहूलता जी, बहुत सोलफुल म्यूजिक आई वुड से, बहुत प्यारे गाने हैं, तो आई एम श्योर आप पसंद करने वाले हो। और पूरे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ जरूर जाना और देखना, डरना, रोमांस को एंजॉय करना, थ्रिल को एंजॉय करना, सॉन्ग्स को एंजॉय करना, और बहुत सारा प्यार। और हम सब नए हैं, हम सब आप लोगों पर बहुत काउंट कर रहे हैं। भले फिल्म अच्छी नहीं लगे लगे वो बात की बात है, बट जाकर एक बार जरूर देखिएगा प्लीज। हम लोग स्टार तो नहीं है, नए हैं, लेकिन उम्मीद आप ही लोगों पर है हमारी पूरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।